सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी आरविनल रेल विकास निगम लिमिटेड, जहां पर एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली है। स्टॉक ने 9% की गजब की रैली दिखाई है और 372 रुपये पर क्लोजिंग आई है। स्टॉक ने एक फ्रेश बाउंड वेक हाई आज के दिन बनाया है। इसी बीच आप लोग देखोगे वॉल्यूम जो आज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम और 9 करोड़ 80 लाख के आसपास की वॉल्यूम देखने को मिली। देखो भाई, हाई वॉल्यूम चलते अगर स्टॉक में ब्रेकआउट आए तो वो जेन्युइन ब्रेकआउट होते हैं। और ये ब्रेकआउट आप लोग देखोगे भी हमें 350 की रेंज में, 345 की रेंज में, उससे पहले भी आप लोग देखोगे हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिल चुका था 294 की रेंज में। तो वहाँ से आप लोग स्टॉक में कितनी शानदार रैली बनी है। तो इलेक्शंस रिजल्ट्स आपको बताओगे अभी 4 जून को आने हैं, लेकिन 4 जून से पहले आपको यहाँ पर बिल्कुल सावधानी बरतनी है भाई, बिल्कुल अलर्ट रहना है, विदाउट स्टॉप लॉस मत चलना अभी के टाइम। और जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे थोड़ा सा वेट कर लो, एक डीप बन सकता है इसमें इलेक्शन रिजल्ट से पहले, या इलेक्शन रिजल्ट से पहले रेलवे के अंदर एक डीप बन सकता है। अगर आपकी पहले से होल्डिंग है तो आप लोगों को जो ना भी चलिए स्टॉक के साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए किस प्रकार से किस लिहाज से आपने स्टॉक में खरीदारी की उसी लिहाज से आगे के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो एक खबर भी आते हुए नजर आई भी, चलिए सबसे पहले वो खबर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसमें आगे की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया है 23/5/2024 आज के दिन। और यहाँ पर कंपनी ने बताया भी इसके ऊपर जो भी आप लोग देखोगे इम्पोजिशन ऑफ फाइन बाय एनएससी एंड बीएससी, एनएससी और बीएससी ने कंपनी के ऊपर लगाया भी फाइन, ठीक है, एक्सचेंजेस ने फाइन लगाया है। और ये फाइन क्यों लगा है चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कंपनी ने बताया भी, और देखो हर बार लगता भी ये, हर बार आप लोग देखोगे कंपनी की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन दिया जाता है इसके ऊपर। और ये फाइन लगाया भी 5,36,900 रुपये आप लोग दोनों ने लगाए हैं भाई, 5,36,900 रुपये एनएससी ने और इतने ही अमाउंट आप लोग देखोगे बीएससी ने, दोनों एक्सचेंजेस ने। और ये क्यों लगाई गई है, इसलिए लगाई गई क्योंकि यहाँ पर जो कुछ नॉन कंप्लायंस है जिनका यहाँ पर पालन नहीं हुआ है भाई कंपनी की तरफ से, ठीक है, इसका जो हाफ ऑफ बोर्ड है वो नॉट इंडिपेंडेंट है, इसीलिए आप लोग देखोगे भी यहाँ पर जो ना भी ये एक्शन लिया गया है कंपनी के ऊपर, ये फाइन लगाया गया है। तो उसको लेकर परेशान नहीं होने, कंपनी ने बोल दिया है भाई कि भी ये जो ना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसका जो ना भी है वो ही ये जो ना भी यहाँ पर ये इसका करेगी, ठीक है। तो इसको लेकर आप लोग जो फाइन लगाया उसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो माफ़ किया जाए भाई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एनएससी एंड बीएससी हैज बीन रिक्वेस्टेड टू वेव ऑफ द फाइन, तो इसको माफ़ किया जाए। तो इसको आप लोग देखोगे मिल भी जाएगा भाई, हर बार की तरह ही है, आपके बार अलग तो है नहीं भी, हर बार कंपनी पर फाइन लगता है रिजल्ट आने के बाद, आपने नोट किया हो तो, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी इसका चार्ट आगे के क्या कुछ हो सकते हैं लेवल वगैरह और क्या स्ट्रैटेजी आगे के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखो स्टॉक में एक जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला है और 373 रुपये के आसपास, 372 रुपये के आसपास जो स्टॉक ऊपर में पहुँचा हुआ है। तो ऐसे में आप लोग देखोगे भी जिसको रिस्क नहीं लेना है स्टॉक के अंदर ज़्यादा बड़ा, तो 350 रुपये के आसपास का नीचे में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलेगा जिनकी पहले से होल्डिंग है। और जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहा भाई एक डीप आ जाने दो, उसके बाद सही रहेगा क्योंकि स्टॉक में एक जबरदस्त रैली बन चुकी है, एक जबरदस्त एक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है, इसलिए एक छोटा सा डीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आना। और वो डीप क्या पता अभी कल आए परसों आए कभी भी आ सकता है, इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन डीप इसके अंदर एक जरूर आएगा, उस डीप के बाद फ्रेश एंट्री के सही मौके होंगे। और अभी टाइम आ और लग भी रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट से पहले एक डीप पक्का यहाँ पर बन सकता है स्टॉक के अंदर या फिर रेलवे शेयरों के अंदर, इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है रिजल्ट के बाद। आप लोग देखोगे स्टॉक 248 के आसपास आया हुआ था, ठीक है, अभी पीछे, और वहाँ से जो स्टॉक अभी टाइम 373 पे पहुंचा हुआ, जबरदस्त रैली स्टॉक में बनी है। और ये मैंने आपको पहले बोला था रिजल्ट्स के बाद जो स्टॉक है फ्रेश बाउंड वेक हाई क्रिएट कर सकता है, अगर रिजल्ट अच्छा है तो वो कंडीशन यहाँ पर हमें होते हुए नजर आई है। तो ऐसे में आप लोग देखोगे टारगेट्स की अगर बात करें ऊपर में तो स्टॉक हमें अच्छे खासे मूव ऊपर में दिखा सकता है, बट इसके लिए हमें जो ना भी तैयारी फुल करनी है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टॉक नीचे में सपोर्ट लेके चलना भी 350 का, और ऊपर में जो स्टॉक है 400 तक के मूव आई थिंक दिखा पाए, अगर उससे पहले डीप बन गया तो भाई वो एक अलग बात होगी, ठीक है, और मौका ही होगा इलेक्शन रिजल्ट से पहले अगर आता है तो ऐसा माहौल बनता है। तो इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऊपर में 400 तक के रेंज में टारगेट आ सकते हैं, बट नीचे में 350 के स्ट्रॉन्गली सपोर्ट के साथ चलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।